मुजफ्फरपुर में विभिन्न संगठनों द्वारा रामनवमी जुलूस एवं शोभा यात्रा निकाला गया। इसी क्रम में गायघाट विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी रानी सिंह द्वारा अखाड़ा घाट रोड में शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह शोभा यात्रा पूरे शहर में जय श्री राम के नारों के साथ गुजरा। पूरा शहर राम धुन में भक्ति में सराबोर होकर झूमता रहा। श्री राम की सेना भगवान वस्त्र धारण कर हाथ में तलवार लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखी। क्या उद्देश्य है इस रथ यात्रा? इस शोभा यात्रा का यही उद्देश्य है कि हिंदुत्व को एक करना है, सभी हिंदू भाइयों को भाईचारा का संदेश देना है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। और मैं मोदी जी और योगी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में, भाईचारे का संदेश देने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। परिचय दीजिए। मैं वो इंसान हूँ जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ, लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है। की तरह बारूद बहना है तो मिसाइल भी पटाखे की तरह फोड़ा करते हैं। हिंदुस्तानी है हम, एक झटके में पूरी दुनिया हिला। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को मुर्दाबाद बना दे, पाकिस्तान को मुर्दाबाद बना दे, पाकिस्तान को मुर्दाबाद बना दे, पाकिस्तान को मुर्दाबाद। आज आपको कहना पड़ेगा।